हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे अबाउट द एनजीएमसी कट ऑफ फॉर द ईयर 2024-25। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बीएचएमएस कोर्स के लिए। सो हमारे पास लास्ट ईयर की कट ऑफ है, तो उसमें रैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे कितनी कितनी कट ऑफ जाती है और कितने मार्क्स पे जाती है। हालांकि हमारे मार्क्स तो बढ़ गए हैं इस साल, मगर जो कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू रैंक वो ऑलमोस्ट वही रहने वाली है। सो देख सकते हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द बीएचएमएस कोर्स अंडर द 85% दिल्ली कोटा फॉर द ओपन कैटेगरी। यहाँ पर टोटल 40 सीट थी जो कि ओपन कैटेगरी के अंडर थी, और ये देख सकते हैं उन स्टूडेंट्स के नेम जिनका एडमिशन हुआ था। अगर बात करें रैंक वन की यहाँ पर, तो टोटल 581 मार्क्स थे और 40,661 इस रैंक पे जो रैंक वन है वो अलॉट हुई थी। बाकी यहाँ पर सब्सिक्वेंट रैंक देख सकते हैं आप कितनी कितनी थी। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट राउंड में जो लास्ट कट ऑफ थी फॉर द जनरल कैटेगरी वो कितनी थी, तो ये देख सकते हैं 40 नंबर, इट इज ऑन द 472 मार्क्स एंड द रैंक वॉज 1,38,182। इस रैंक पे जो 40 नंबर की सीट है वो उठी है फॉर द ओपन कैटेगरी। तो इस साल भी आप मान सकते हैं कि यही कुछ कट ऑफ जो है रहने वाली है फॉर द जनरल कैटेगरी। अगर बात करें डिफेंस कैटेगरी की, तो ये देख सकते हैं जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन जो है वो हुआ है। बाकी रैंक देख सकते हैं यहाँ पर 9,91,355 एंड 2,23,673। जनरल पीडब्ल्यूडी दो सीट थी, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई थी। बात करें एससी कैटेगरी फॉर द दिल्ली कोटा, सो टोटल यहाँ पर 13 सीट थी और देख सकते हैं यहाँ पर 442 मार्क्स से जो रैंक है वो स्टार्ट हुई थी, और जो 30 नंबर की सीट है वो उठी है 340 मार्क्स पे फर्स्ट राउंड के लिए। कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे भी जाएगी जब स्टेप अगेंस्ट राउंड देखेंगे हम। तो लास्ट देख सकते हैं आप 3,34,410 इस रैंक पे भी जो एडमिशन है वो हुआ था इन द एससी कैटेगरी। डिफेंस एससी कैटेगरी यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया था। एससी पीडब्ल्यूडी दो कैंडिडेट अवेलेबल, एक सीट थी यहाँ पर अवेलेबल। एसटी कैटेगरी की बात करें अंडर द 85% दिल्ली कोटा, तो 7 सीट्स थी और 6 लोगों ने अप्लाई किया था यहाँ पर। तो जिन लोगों का भी क्वालिफाई था सभी लोगों को सीट मिली गई थी यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रैंक है ये फर्स्ट इज ऑन द 2,57,379 एंड सिक्स इज ऑन द 11,49,485। बात करें 85% दिल्ली कोटा अंडर द ओबीसी कैटेगरी, तो 25 सीट्स यहाँ पर टोटल अवेलेबल थी। जो फर्स्ट सीट गई थी वो गई थी 574 मार्क्स पे 46,011 रैंक पे, और जो 25 नंबर की सीट है ये उठी थी 394 मार्क्स पे 2,39,848। बाकी इन बिटवीन आप ये मार्क्स देख सकते हैं, और यहाँ पर दे रखी है रैंक। ओबीसी सीडब्ल्यू एक सीट थी, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई थी। ओबीसी पीडब्ल्यूडी नो एप्लीकेशन, एक सीट। ईडब्ल्यूएस की बात करें टोटल 8 सीट थी यहाँ पर, और ये देख सकते हैं कितनी कितनी रैंक पे यहाँ पर उठी है कितने कितने मार्क्स पे। तो फर्स्ट रैंक थी यहाँ पर 545 मार्क्स पे, और जो 8 नंबर की सीट है वो उठी है 485 मार्क्स पे 43,485 रैंक पे। ईडब्ल्यूएस डिफेंस कोटा नो कैंडिडेट अवेलेबल एंड ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कोटा एक सीट थी, यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया था। बात करें अगर 85% दिल्ली कोटा फॉर द सेकंड राउंड, तो यहाँ पर 20 सीट्स अवेलेबल थी, और सेकंड राउंड में ओपन कैटेगरी के लिए जो लास्ट रैंक गई थी वो गई थी 421 मार्क्स पे 2,380। इस रैंक पे जो सेकंड राउंड की जो लास्ट सीट है ओपन कैटेगरी की वो उठी है। बाकी आप डिटेल में वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी एससी कैटेगरी की बात करें तो सेकंड राउंड में 335 इस मार्क पे जो सीट है वो उठी है एंड द रैंक वॉज 3,43,006। राउंड टू में ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 6 सीट्स अवेलेबल थी, जो फर्स्ट रैंक थी सेकंड राउंड के लिए वो थी 2,41,419 मार्क्स पे, और जो लास्ट सीट थी वो थी 2,78,460 रैंक पे और मार्क्स वाज 370। सेकेंड राउंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टोटल 4 सीट्स अवेलेबल थी, और 465 पे उठी थी फर्स्ट सीट और 408 पे थी लास्ट सीट। रैंक देख सकते हैं यहाँ पर 1,45,760 एंड 2,19,173। थर्ड राउंड की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए टोटल यहाँ पर 6 सीट्स अवेलेबल थी, फर्स्ट सीट 409 मार्क्स पे थी एंड द रैंक वॉज 2,17,806, और जो लास्ट सीट थी इट वॉज ऑन 2,38,794 रैंक और मार्क्स थे 395। थर्ड राउंड के लिए ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर एक सीट बची थी और वो 370 मार्क्स पे उठी है 2,78,489। अब आते हैं स्टेप वैकेंसी राउंड पे, तो स्टेप वैकेंसी राउंड में फॉर द ओपन कैटेगरी 5 सीट्स अवेलेबल थी 392 पे फर्स्ट, और 382 मार्क्स पे जो लास्ट सीट है स्टेप वैकेंसी की वो उठी है। रैंक देख सकते हैं आप 2,57,929 इस रैंक पे जो लास्ट सीट है ओपन कैटेगरी की वो उठी है इन द स्टेप वैकेंसी राउंड। फॉर द एससी कैटेगरी 6 सीट्स अवेलेबल थी, और जो लास्ट थी वो थी 3,95,311 रैंक पे एंड द मार्क्स वॉज 311। फॉर द ओबीसी कैटेगरी स्टेप वैकेंसी में जो लास्ट थी वो थी 357 मार्क्स पे 1,35,018। फॉर द ईडब्ल्यूएस स्टेप वैकेंसी में लास्ट सीट 3,01,544 357 मार्क्स पे। उसके बाद स्टेप वैकेंसी राउंड फर्स्ट हुआ था, क्योंकि इससे पहले वाला जो स्टेप वैकेंसी राउंड हुआ था उसमें सीट्स खाली बच गई थी,
तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट सीट उठी है ओपन कैटेगरी से वो थी 370 मार्क्स पे, द रैंक वॉज 2,78,460। बात करें एससी कैटेगरी की तो लास्ट रैंक वॉज 5,90,129 एंड द मार्क्स वॉज 261। बाकी सब्सिक्वेंट सारे मार्क्स और रैंक देख सकते हैं कितनी कितनी थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3,53,004 पे ये उठी है सीट एंड द मार्क्स वॉज 331। अगर बात करें सेकंड स्टेप वैकेंसी राउंड की तो सेकंड स्टेप वैकेंसी राउंड में 367 मार्क्स पे ओपन कैटेगरी से लास्ट सीट उठी है 2,83,846 रैंक पे। एससी कैटेगरी में 210 मार्क्स पे 6,81,140 रैंक पे। उसके बाद भी एससी कैटेगरी की सीट से बच गई थी तो उसके बाद एक और राउंड हुआ था जहां पर जो लास्ट सीट उठी है एससी कैटेगरी में 178 मार्क्स पे उठी है 8,04,701 इस रैंक पे सीट जो है उठी है। सो हर राउंड के लिए अलग अलग कट ऑफ थी फॉर द नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। तो इससे पे आइडिया ले सकते हैं कि किस रैंक पे जो सीट है वो आपको मिल सकती है। तो काफी नीचे जो रैंक है वो चली गई थी, बहुत कम मार्क्स पे जो एडमिशन है वो हुआ है लास्ट ईयर। तो इस साल भी ऑलमोस्ट जो है चीजें सेम रहने वाली है, हर साल का यही रहता है कट ऑफ। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो प्लान है वो कर सकते हैं। बाकी एडमिशन कैसे होता है इसकी दो वीडियो अलग से अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में या एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी वीडियो, आप वहां से उसको देख सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप लर्निंग।